हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केम टॉक्स बाय पूजा मलिक। सो आज की वीडियो में जो यूनिट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। ये क्लास 12 के सेकंड बुक में आपको मिलेगा एंड एज यू ऑल नो कि सीबीएसई ने आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है बाय 30%। तो जो आपके लास्ट के यूनिट थे दैट इज पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। एंड ये जो यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स, इसके भी कुछ टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब इस वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखो जनरली क्या होता है, क्योंकि जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं ये काफी थ्योरेटिकल है ना, इनमें इक्वेशंस कम है, रिएक्शंस नहीं है इन्वॉल्व ज्यादा, तो बच्चे क्या करते हैं इनको कम इम्पोर्टेंस देते हैं और इनको लेटर टाइम के लिए छोड़ देते हैं, है ना, कि हम इनको बाद में रिवाइज कर लेंगे या बाद में एक बार रीड कर लेंगे, या कई बार इनको छोड़ भी देते हैं कि ये चैप्टर हम नहीं करने वाले एग्जाम में। बट बच्चों इनको बिल्कुल आप लीव मत करिए, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, बहुत ही छोटे हैं, थ्योरेटिकल जरूर है, बट अगर आपने उनको एक सिंपल और सिस्टमैटिक वे में पढ़ लिया एक बार भी अच्छे से, तो आपको इनमें मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। सो प्लीज आप ये वीडियो देखिए, इस चैप्टर को स्टडी कीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट इज इनफ अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आप एक बार उसको समझ लेंगे एंड इट इज अ क्विक रिविजन वीडियो, ओके। एंड उसके बाद बस आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए इसके, इट विल बी इनफ टू गेन द ऑल मार्क्स, लाइक 4 to 5 आई थिंक इट इज द वेटेज, एंड वो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल टर्म को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये टर्म आई कहां से, ठीक है। तो ये टर्म आती है बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री क्या है, साइंस की एक अलग ब्रांच है जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को आपस में रिलेट करती है। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो हमारे लिविंग सेल्स है उसमें क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, और उनको स्टडी करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब को हम स्टडी करते हैं। इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और इंटरेक्शन हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सो इस यूनिट में आपको यही करना है कि बायोमोलिक्यूल्स को पहले समझना है कि ये क्या होते हैं, उसके बाद आप इंटरेक्शन को समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, प्लीज लाइक। कार्बोहाइड्रेट्स, ये एक ऐसी टर्म है जिसको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और रिपीटेडली हम अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में कहीं ना कहीं इस टर्म को बार बार यूज करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने ऐसे पढ़ा है या ऐसे जाना है कि ये मेन सोर्स होता है एनर्जी का। अब जो हम एक्टिविटीज करते हैं हमारी बॉडी को सारे काम करने के लिए, लाइक आई एम टीचिंग नाउ, उस वर्क को करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है, माय बॉडी शुड बी फिल्ड विद एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आती है, जो हम खाना खाते हैं। अब उस खाने में ऐसी क्या चीज होती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, ये मेन सोर्स है एनर्जी का, फाइन। अब इसमें ऐसा क्या है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप्स क्या होंगे, उन्हें पढ़ना है, सोर्सेज और फूड्स उनके जो होते हैं, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 12th क्लास में, ओके। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इनको नेचुरली अकरिंग क्योंकि हमें एनवायरमेंट में मिल रहे हैं इसलिए बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बोला क्योंकि इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासीफाई किया गया। अच्छा, अब जो नाम है कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर दो टर्म्स आती है, कार्बन एंड हाइड्रेट्स। सो बेसिकली ये क्या होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। यही चीज उनके जनरल फॉर्मूला में भी रिप्रेजेंट हो सकती है, लाइक यू कैन सी कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है C6H2Y, ठीक है, X मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एंड Y मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। देखो जैसे हमारा ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, उसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक C6 एंड H2 के 6 मॉलिक्यूल। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स का हो गया जनरल फॉर्म। अब ये हो गया जनरल लैंग्वेज। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अभी कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करें तो हम उसको कह सकते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ऑप्टिकली एक्टिव टर्म क्यों यूज करी, वो हम अभी आगे स्ट्रक्चर रिएक्शन में समझेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, या फिर उनको हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि जिनमें काइल कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो अब पॉलीहाइड्रोक्सी टर्म क्यों यूज किया, पॉलीहाइड्रोक्सी इसलिए यूज किया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, देन एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बोला जाता है। ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। इनको सैकराइड्स भी बोला जाता है और ये टर्म फ्रीक्वेंटली हम यहाँ पे काफी बार पढ़ेंगे। देखो सैकराइड्स का जो मीनिंग होता है इस वर्ड का, उसका मीनिंग होता है शुगर, क्योंकि हम जनरली क्या देखते हैं कि जो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्वीट होते हैं टेस्ट में, तो इसलिए इनको जनरल टर्म दे दिया सैकराइड, जिसका मीनिंग क्या होता है, शुगर, ओके।
नाउ अब हम समझते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं. लेट्स सी दैट. सो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. अब ये क्लासिफिकेशन किया कैसे है? ये हमने क्लासिफिकेशन किया है कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है. ओके, सो मोनोसैकेराइड्स को हम सिंपल शुगर्स भी बोलते हैं. इनके अंदर क्या होता है, अगर हम इनका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें और कोई सिंपल यूनिट नहीं मिलते हैं क्योंकि ये खुद सबसे सिंपल यूनिट्स होते हैं. इनको फर्दर हाइड्रोलाइज करके ब्रेक नहीं किया जा सकता. सो इनके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज. अब देखो ये तीनों ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तीनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट इनकी स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, वो हम आगे यूनिट में भी कंटिन्यू करेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑलिगोसैकेराइड्स. ऑलिगोसैकेराइड्स वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स को बोला गया है जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें अप्रोक्सीमेटली 2 से 10 के बीच में कितने भी नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट्स मिलते हैं. ठीक है, मोनोसैकेराइड अगर मिलते हैं, लाइक अगर कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें 2 सैकेराइड्स मिलते हैं फर्दर मोनोसैकेराइड्स तो उसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड. किसी का हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक ट्राइसैकेराइड है. इसी तरह से हम उसको क्लासीफाई करते रहते हैं. अब इनके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है सुक्रोज. सुक्रोज क्या होता है, एक डाइसैकेराइड होता है. क्यों? क्योंकि जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमें 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, 1 इज ग्लूकोज एंड 2 इज फ्रक्टोज. ओके, 2 इज माल्टोज. माल्टोज सुक्रोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होता है. ठीक है, C12H22O11. जब माल्टोज का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट में, 2 सैकेराइड यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज. सो इसलिए ये भी क्या है, एक तरह का डाइसैकेराइड है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड नाम से ही पता लगता है, पॉली का मतलब ही होता है इन अ लार्ज नंबर. सो इसमें क्या होता है, इन वाले कार्बोहाइड्रेट्स का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलते हैं. एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोस, ये सब क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है. ठीक है, इनको हम नॉन शुगर भी बोलते हैं क्योंकि इनमें शुगर टेस्ट जनरली नहीं ऑब्जर्व किया जाता. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स को उनके रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में. रिड्यूसिंग शुगर में वो शुगर्स या वो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जो कि हमारे बेंडिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इन सबको रिड्यूस कर देते हैं. वेयर एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर में वो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स आते हैं जो कि इन सॉल्यूशंस को रिड्यूस नहीं कर पाते. अब इसका रीजन क्या है, देखो जो ये टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन है ना, बेंडिंग सॉल्यूशन, ये सब क्या है, एक तरह से केमिकल टेस्ट होते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं. सो ये लोग एल्डिहाइड, ये कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं सॉल्यूशन को. ठीक है, तो क्योंकि ये उसको रिड्यूस नहीं कर पाए इन सॉल्यूशंस को, इसका मतलब इनके अंदर वो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, और अगर रिड्यूस कर दिया तो वो ग्रुप प्रेजेंट है. इसलिए रिड्यूसिंग शुगर में ये रिड्यूस कर पाते हैं सॉल्यूशन को क्योंकि इनके अंदर फ्री एल्डिहाइड के कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ये फ्री एल्डिहाइड के कीटोनिक ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है. जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनमें क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है क्योंकि ये मोनोसैकेराइड है, वो तो आगे किसी से बॉन्ड कर ही नहीं रहे होंगे. बट कुछ डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं होता, कुछ में होता है, जैसे कि माल्टोज में होता है तो वो किसमें आएगा, रिड्यूसिंग शुगर में. बट जो सुक्रोज होता है उसमें वो फ्री नहीं होता है तो इसलिए वो आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ओके, सो इसके साथ हमारी क्लासिफिकेशन पूरी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की. नाउ अब हमें क्या है, जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर आपको सिर्फ मोनोसैकेराइड्स को स्टडी करना है. ऑलिगोसैकेराइड्स और आपके पॉलीसैकेराइड्स अभी सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं. सो जो मोनोसैकेराइड्स है उनको फर्दर 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है. अगर उनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एल्डोस, एंड अगर उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं कीटोस. ओके, अब हमें इन्हीं को आगे स्टडी करना है. सो लेट्स गो. 2 मोनोसैकेराइड्स अब जो हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ओके, इनके प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर देखते हैं. देखो ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के 2 मेथड है जो हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं. पहला है सुक्रोज से, सेकेंड है स्टार्च से. जब हम सुक्रोज को, ठीक है, C12H22O11 को हम क्या करते हैं, बॉइल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl इन एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो क्या होता है, हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की प्रिपरेशन का मेथड है. सेकेंड मेथड इज यूजिंग अ पॉलीसैकेराइड, दैट इज स्टार्च. जब हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हैं और बॉइल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 at 393 केल्विन, तो हमें रिएक्शन के बाद मिलता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ओके, सो ये हो गई प्रिपरेशन. नाउ इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो जो इसका स्ट्रक्चर डिराइव किया गया, दैट वाज दिस CHO, CHOH4 एंड CH2H.
एल्डिहाइड ग्रुप, तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, तो उससे यहाँ से प्रूव हो गया कि इसमें देखो कितने सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, है ना। और हमने क्या होता है उसमें एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, सो दिस प्रूव्स अ डेफिनेशन इज करेक्ट। ओके, सो इसको एल्डो हेक्सोस क्यों बोला जाता है, एल्डो इज फॉर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एंड हेक्सोस टर्म इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है इस चेन में। ओके, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है कि C6H12O6 होता है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है तो उससे हमने स्ट्रक्चर को डिराइव कैसे किया, ये स्ट्रक्चर आ तो गया बट क्या प्रूफ है कि यही करेक्ट स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी रिएक्शंस के थ्रू ये स्ट्रक्चर प्रूव हुआ, अब हमें उसको डिस्कस करना है। सो लेट्स डिस्कस दैट। अब हम स्टडी करेंगे वो डिफरेंट रिएक्शंस जो ग्लूकोज के साथ होती है जिससे हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो जो पहली रिएक्शन हम स्टडी करेंगे दैट इज जब ग्लूकोज का हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, उसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब हम हीट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है NHCl। इस रिएक्शन से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो 6 के 6 कार्बन एटम्स है वो एक सिंगल चेन में जुड़े हुए हैं, इट इज अ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम्स। ओके, सेकेंड रिएक्शन जब हम ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराते तो रिएक्शन हुआ एंड हमें एक ऑक्साइम मिला, दिस कंफर्म्स कि उसके अंदर या तो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप या फिर एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज द सेकेंड प्रूफ। थर्ड, इसी का जब हम HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी साइनोहाइड्रिन फॉर्म हुआ, दिस ऑल्सो कन्फर्म्स कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, फोर्थ रिएक्शन है जब हम उसका Br2 वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, इसमें क्या होता है क्योंकि Br2 वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ भी वो रिएक्ट करके फटाफट से ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड हमें क्या मिल जाता है, जो प्रोडक्ट है ग्लूकोनिक एसिड, यहाँ पे CHO इज बीन ऑक्सीडाइज टू COOH ग्रुप। सो इससे हमें कन्फर्म होता है कि यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज एल्डिहाइड एंड नॉट कीटोन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हमें जो प्रोडक्ट मिला दैट वॉज ग्लूकोपेंटा एसिटेट, क्योंकि हमें ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिला उसी से हमें पता लगा कि इसके अंदर ऑब्वियसली 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट थे जिनका क्या हुआ है, एसिटाइलेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज जब हम इसका ऑक्सीडाइज कराते हैं विद HNO3, तो क्या होता है जो दोनों दो ग्रुप है यहाँ पे दो ग्रुप प्रोड्यूस होते हैं COOH में, सो यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, सैक्रिक एसिड। इसी रिएक्शन से हमें ये प्रूव होता है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एटलीस्ट यहाँ पे जब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें डाई प्रोडक्ट मिला है, इसका मतलब यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, लाइक अ प्राइमरी हाइड्रोक्सिल इज ऑल्सो प्रेजेंट। सो ये सारी रिएक्शंस हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है पॉइंट वाइज, एंड अगर आप इस टेबल को या क्या बोल सकते हैं इस डायग्राम को एक साथ रिमेम्बर कर लेते हैं, एक बार इसको बना लेते हैं अपनी नोटबुक में, तो आपको ये सारी रिएक्शन याद हो जाएंगी, एंड अगर एग्जाम में आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर इलिसिडेशन ऑफ ग्लूकोज तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, नथिंग टू टेक स्ट्रेस। ओके, सो इसके साथ हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। देखो अब हमें इसमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है बट वो जुड़े कैसे हुए हैं, है ना, उनका अरेंजमेंट कैसा है वो एक्सप्लेन किया था फिशर ने, तो अब हम इसकी फिशर पोजीशन को देखते हैं एक बार। ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एज गिवन बाय फिशर प्रोजेक्शन। ओके, फिशर ने क्या बोला कि ये 6 कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में है तो उनको हम एक स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड फर्स्ट इज एल्डिहाइड ग्रुप ऑब्वियसली क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे, एंड सेकेंड पे OH राइट साइड में होगा, थर्ड कार्बन पे OH इज ऑन लेफ्ट साइड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन पे OH इज अगेन ऑन द राइट साइड। ये फिशर के अकॉर्डिंग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, इट वॉज नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज। अब यहाँ पे डी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, कॉन्फिग्रेशन, इट इज रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन डी और एल, मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे आती है। ओके, प्लस टर्म इज फॉर रोटेशन, हमें पता है कि जब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है या तो राइट में या लेफ्ट में, क्योंकि ये राइट में रोटेट कर रहा है तो इसलिए इसको प्लस चार्ज मिला, इट इज टेक्स रोटेटरी हियर। ओके, नाउ अब जो डी आई आर रिलेटेड कॉन्फिगरेशन वो हम क्या करते हैं, हमने क्राइटेरिया फिक्स कर लिया, ग्लिसरेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने फिक्स किया। देखो ये ग्लिसरेल्डिहाइड है, यहाँ पे OH देखो कौन सी साइड है, राइट साइड पे, तो जब ये लोएस्ट फंक्शनल ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन है, ठीक है ना, लोएस्ट कार्बन जो 6 हमने दिया उसके नेक्स्ट जो कार्बन है उस पे OH अगर राइट साइड पे है तो हम उसको बोल देते हैं डी कॉन्फिगरेशन, और अगर यही OH यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होता तो इसको हम बोल देते हैं एल कॉन्फिगरेशन। ओके, सो इस मॉलिक्यूल में आप ध्यान से देखिए कि जो ये वाला कार्बन है इससे नेक्स्ट ये लोएस्ट कार्बन यहाँ पे जो है इसमें क्या है, OH कौन सी साइड पे है, राइट साइड पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या है डी कॉन्फिगरेशन। ओके, सो ये फिशर ने एक्सप्लेन किया इसकी कॉन्फिगरेशन को। अब
क्या हुआ, कुछ और रिएक्शंस ऐसी देखी गई कि जिनमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो रिएक्शन अगर ये स्ट्रक्चर होता तो होनी चाहिए थी, बट वो ऐसा हो ही नहीं रहा था। जैसे अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसको शिफ्ट टेस्ट भी देना चाहिए, 2,4-DNP टेस्ट भी देना चाहिए ग्लूकोज को, बट वो नहीं दे रहा था। ओके, और एक और चीज जो ऑब्जर्व की गई वो ये कि ग्लूकोज तो दो फॉर्म में मिल रहा है, अल्फा एंड बीटा, बट इस स्ट्रक्चर में तो कुछ भी ऐसा डिफरेंशिएट नहीं हम कर पा रहे कि अल्फा बीटा फॉर्म क्यों बनेंगे या कैसे बनेंगे। ठीक है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फिर दूसरा हमें सजेस्ट किया गया स्ट्रक्चर, उनको ये लगा कि इसके अंदर इसका मतलब एक हेमी एसिडल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है हम उसको समझते हैं। ठीक है, अब आप यहां देखिए जो फिफ्थ वाला कार्बन है ना, इससे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है वो हेमी एसिटल रिंग फॉर्म करता है। वो क्या करता है, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है एल्डिहाइड का उस पर अटैक करता है, उससे जाके जुड़ जाता है, एक हेमी एसिटल रिंग का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, देखिए ये वाला OH जो यहाँ बना हुआ है और ये फर्स्ट कार्बन पे जाके जुड़ गया तो ये हो गया। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ, इसने अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लेन कर दिया। कैसे, उसने ये बोला कि जिस वाले फॉर्म में H इधर और OH उधर आएगा, इसमें जब अटैक हो गया उसके बाद है ना, जिसमें H इधर और OH उधर आएगा उसको हम बोलेंगे अल्फा फॉर्म, एंड जिसमें OH लेफ्ट में और H राइट में आएगा फंक्शनल ग्रुप कार्बन में, या फिर इसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं उसमें। ठीक है, तो जिसमें उसमें OH लेफ्ट पे आएगा और H राइट पे उसको हम बोलेंगे बीटा फॉर्म। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये साइक्लिक है तो फिशर के अकॉर्डिंग तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने न्यू इंट्रोड्यूस की हैवर्ट प्रोजेक्शन, तो उससे हमने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो ये रही हैवर्ट प्रोजेक्शन, इसमें आप अल्फा एंड बीटा फॉर्म को इजीली देख सकते हैं। अब ऑब्वियसली आई नो कि ये जो डायग्राम है थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और ऐसे लगेगा कि अगर आ जाता एग्जाम में तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत सिंपल है अगर आप इसको ध्यान से देखें। चलो इसको समझते हैं। ओके, देखो ये अल्फा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है, आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखो, इनमें कहीं कोई डिफरेंस दिख रहा है? अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है। देखो ये सारे ग्रुप्स बिल्कुल सेम लग रहे हैं, बस ये वाले पे देखो जी, ये है ना, यहाँ पे OH नीचे है और OH ऊपर है, सो सिर्फ इतना ही फर्क है इन दोनों में। अब ये बनता कैसे है हम वो देखते हैं। सी, हमने क्या बोला कि इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमारी क्या होती है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, बट जब यहाँ पे अटैक हुआ इस वाले ऑक्सीजन जो था वो यहाँ पे जुड़ गया फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जाके और एक हेमिएसिटल रिंग का फॉर्मेशन किया, तो जो अब रिंग फॉर्म हुई उसके अंदर 5 कार्बन एटम्स होंगे एंड एक ऑक्सीजन एटम जुड़ा होगा, तो उसी के बेसिस पे स्ट्रक्चर बना है। देखो ये वाला ऑक्सीजन क्या है, जो हेमिएसिटल वाला ऑक्सीजन था वो जो आपको दिख रहा है अलग से है ना, वो उससे नेक्स्ट पे क्या जुड़ा है, एनोमेरिक कार्बन, यानी कि वो कार्बन जो पहले एल्डिहाइड ग्रुप था वो रिड्यूस हो गया। ये वाला ये 1 कार्बन है, ओके, नाउ ये वाला सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये वाला और ऑक्सीजन जो रिंग में है। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो, जो फर्स्ट कार्बन है क्योंकि अल्फा फॉर्म है तो अल्फा फॉर्म में H का है लेफ्ट पे, OH का है राइट पे, तो हमें बस क्या करना है, पहले रिंग बनानी है, उसमें एक ऑक्सीजन लगाना है, ऑक्सीजन से नेक्स्ट कार्बन पे हमें H ऊपर बनाना है, OH नीचे बनाना है, क्योंकि ऊपर कौन से बनेंगे, जो लेफ्ट पे है, नीचे बनेंगे जो राइट पे है। सेकंड कार्बन पे देखो, H का है लेफ्ट तो ऊपर, OH का नीचे क्योंकि राइट पे, थर्ड OH लेफ्ट H राइट तो OH ऊपर H नीचे, ऐसे ही फोर्थ पे वही कि इधर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो इसी तरह से अल्फा फॉर्म के बॉन्ड्स बन जाते हैं, बिल्कुल सिंपल बेटा। ओके, बीटा फॉर्म में क्या है, बिल्कुल वही सेम है, अभी मैंने आपको बताया, अगर इनको ध्यान से देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस क्या है, जो फर्स्ट कार्बन है दैट इज एनोमेरिक कार्बन उस पे कॉन्फिगरेशन लगे, कैसे, अगर बीटा फॉर्म होगा तो बस जो H है वो राइट में चला जाएगा, OH लेफ्ट में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे OH का बॉन्ड ऊपर दिखाया और H का बॉन्ड नीचे रिप्रेजेंट किया। इन्हीं को हम एनोमर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एनोमेरिक फॉर्म्स है और एनोमेरिक कार्बन पे इनकी कॉन्फिगरेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर समझते हैं। ओके, सो फिशर ने फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था वो ये था कि ऐसे ये जुड़े होंगे वही स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, 6 कार्बन एटम्स, और जो सेकंड कार्बन एटम है उस पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट विल बी आर फंक्शनल ग्रुप कार्बन। ओके, सो यहाँ पर भी हमने वही चीज देखी, जो कॉन्फिगरेशन है दिस वाज डी माइनस फ्रक्टोज, सो डी हमें पता है रिलेटिव कॉन्फिगरेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ इस वाले कार्बन पे OH राइट में है, माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन लेफ्ट में हो रहा होगा, इट वुड बी लेवी रोटेटरी। ओके, इसको कीटो हेक्सोज क्यों बोला गया, कीटो इज फॉर कीटोन टर्म एंड हेक्सोज इज बिकॉज 6 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एज ग्लूकोज दैट इज C6H12O6,
एंड इट फॉर्म्स अ फाइव मेंबर रिंग. ये फाइव मेंबर रिंग कम बनेगी, जो कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया था हैवर्ड प्रोजेक्शन में कि क्या होता है इसमें, एक हेमिस्टर रिंग फॉर्मेशन होता है. जो ये वाला कार्बन एटम है, पहले फिफ्थ कार्बन एटम ने वन पे अटैक किया था ग्लूकोज में, यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन एटम है दैट विल गेट अटैच टू द सेकेंड कार्बन एटम, क्योंकि उसी पे हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. ओके, सो यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा एंड ऐसे, इसलिए इसमें क्या होगा, फाइव मेंबर रिंग बन गई. चलो इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं. ये फिर से वही हावर्ड प्रोजेक्शन है, दो फॉर्म बनेगी अल्फा और बीटा, जिसमें OH राइट पे होगा दैट विल बी अल्फा फॉर्म, जिसमें OH लेफ्ट पे होगा दैट विल बी बीटा फॉर्म. तो आप देखते ही बता सकते हो, देखो जो अल्फा फॉर्म है अभी क्या बोला, उसमें OH कहाँ होगा, राइट पे, और राइट वाले कहाँ बनते हैं, नीचे. तो देखो OH नीचे है ना, तो ये क्या अल्फा फॉर्म, OH ऊपर है तो ये क्या हो गया, बीटा फॉर्म. ओके, सो इसमें वही हुआ कि ये पहले ऑक्सीजन है, इससे फर्स्ट जो अटैक जिसने किया उसने सेकंड कार्बन पे अटैक किया, तो इससे सेकंड कार्बन एटम जुड़ा है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एंड ग्रुप उसी हिसाब से लगे. सेकंड कार्बन एटम पे इधर CH2OH जो होगा ये लेफ्ट में आ जाएगा, और जो इधर रिड्यूस होके OH आएगा वो कहाँ आ जाएगा, राइट में, और ये अल्फा फॉर्म है, ऐसे इसका बीटा फॉर्म हो गया. तो आई थिंक आपको जो स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के फूल गए होंगे. इसके साथ हमारे कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट कंप्लीट होता है एंड नाउ वील मूव ऑन टू द प्रोटीन्स. ओके, नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल जब हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्रोटीन्स. देखो प्रोटीन्स क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, फंक्शंस क्या है, वो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि पल्सेस में मिलता है, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स आर सोर्सेज, एग, फिश, ये प्रोटीन्स के सोर्सेज होते हैं. देन प्रोटीन का काम क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, जो मेंटेनेंस है, जो सेल रिपेयर है, उन सबको फंक्शनिंग होती रहे इनकी, ये प्रोटीन्स मेक श्योर करते हैं, ठीक है. और मसल मास बनाने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए प्रोटीन्स का कंजप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब प्रोटीन्स बनते कैसे हैं और केमिकली उनके बारे में हम अब स्टडी करते हैं कि वो क्या होते हैं, ठीक है. प्रोटीन्स देखो बनते कैसे हैं, वो अमीनो एसिड से बनते हैं. जो प्रोटीन्स की शॉर्टर यूनिट्स होती हैं, बेसिकली वो लॉन्ग अमीनो चेन रेजिड्यूस की फॉर्म होने से बनते हैं. और बहुत सारे जब 10,000 के अराउंड बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, जिनको हम प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है. अब ये अमीनो एसिड से बनते हैं तो हमें अमीनो एसिड को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम प्रोटीन को समझना चाहते हैं, ठीक है. तो अमीनो एसिड नेम से ही समझ में आता है, उसमें एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है. उसका अगर हम शॉर्टेस्ट स्ट्रक्चर देखें तो वो ये है, RCHCOHNH2, ये उसका जनरल स्ट्रक्चर है. एंड यहाँ पे जो देखो फंक्शनल ग्रुप कार्बन COH होगा, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उसके अल्फा कार्बन ये हो गया, अल्फा पे क्या लगा है, NH2. सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, इसका जनरल नेम है. अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक R दैट इज साइड चेन जुड़ी हुई है. तो जैसे जैसे हम R ग्रुप को चेंज करते रहेंगे, न्यू प्रोटीन्स फॉर्म होते रहेंगे. जब भी R को मॉडिफाई करेंगे तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या हुआ है, चेंज हुआ है. सो देखो जब हमने R को H लिया तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन. ऐसे ही जब R की जगह हम CH लेते हैं उसको बोलते हैं एलेनिन. अब जब R की जगह हम ये लेते हैं CH3CH2H ग्रुप अटैच कर देते हैं तो उसको बोलते हैं वैलेनिन. सो इससे हमें पता लगता है कि जब भी हम R ग्रुप को चेंज करेंगे तो एक न्यू अमीनो एसिड फॉर्म होगा, ठीक है. अब ये नेम आया कहां से, जो इनका फुल नेम होता है जनरली उसको शॉर्ट 3 अल्फाबेट्स में यूज करके अमीनो एसिड्स को नेम किया जाता है. जैसे ग्लाइसिन का शॉर्ट हो गया GLY ग्लाइ, एलेनिन के लिए ALA एंड वैलिन के लिए VL. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि कैसे अमीनो एसिड फॉर्म होता है. ओके, अब देखो जो अमीनो एसिड्स हैं उनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है, उनको हम एसिडिक बोल सकते हैं, बेसिक बोल सकते हैं, न्यूट्रल बोल सकते हैं. एसिडिक कब बोलेंगे, जब उसमें कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप इक्वल प्रेजेंट होंगे, ठीक है. सॉरी, न्यूट्रल कब बोलेंगे, जब इक्वल प्रेजेंट होंगे. एसिडिक कब बोलेंगे, जब एसिडिक कंपोनेंट ज्यादा होगा दैट इज उसके अंदर COH ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट होंगे. एंड बेसिक कब बोलेंगे, जब उसमें बेसिक कंपोनेंट दैट इज NH2 ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट होंगे. तो ये अमीनो एसिड का पहला क्लासिफिकेशन है. अमीनो एसिड को एक तरह से और क्लासिफाई किया जाता है, वो होता है उनकी नेसेसिटी के बेसिस पे. देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, चाहे वो प्रोटीन्स में हो गया और मॉलिक्यूल्स में हो गया, जो हमारी बॉडी ना, जैसे विटामिन्स में भी होता है, मिनरल्स में भी, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, वो उनको नेचुरली क्रिएट कर सकते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बाहर फूड के थ्रू एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं ताकि हमारी बॉडी सर्वाइव करती रहे. तो उसी तरह से अमीनो एसिड्स भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं. एसेंशियल वो होते हैं
जो हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, हमें बाहर से लेने पड़ेंगे थ्रू फूड। नॉन एसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका हमें बाहर से कंजप्शन करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो एसेंशियल का एग्जाम्पल होता है वैलिन एंड नॉन एसेंशियल का एग्जाम्पल है एलिनेट। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन हो गया अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स होते क्या है हमने वो समझ लिया, ठीक है। अब अमीनो एसिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो, अमीनो एसिड्स कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ओके, और ये वाटर में सोल्यूबल भी होते हैं एंड दे आर जनरली सॉल्ट लाइक। सॉल्ट लाइक का मतलब क्या है, वो उनकी जो प्रॉपर्टीज है, क्योंकि उनमें एसिड और बेस कॉम्पोनेंट दोनों प्रेजेंट है तो वो सॉल्ट नेचर शो कर सकते हैं। देखो, ये हो गया हमारा अमीनो एसिड, है ना। अब इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पे COH ग्रुप प्रेजेंट है और NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो ये COH है ये अपने प्रोटॉन को लूज कर देता है और जो ये N है वो उस प्रोटॉन को गेन कर देता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, प्लस और नेगेटिव दोनों चार्ज एक साथ जनरेट हो जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर में। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। तो अमीनो एसिड ये नेचर शो करता है, ठीक है। तो ये हो गई अमीनो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हमने समझ लिया अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, तो अब हम उसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं कि प्रोटीन्स बनते कैसे हैं अमीनो एसिड से। लेट्स डिस्कस दैट। सो प्रोटीन्स बनते कैसे हैं, जब बहुत सारे अमीनो एसिड साथ में एक दूसरे से जुड़ते हैं और लॉन्ग चेन्स बनाते हैं अमीनो एसिड रेसिड्यूज की, तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है तो वो किस तरह से जुड़ता है हम उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे इस रिएक्शन में ग्लाइसिन और एलेनिन आपस में जुड़ रहे हैं, दो अमीनो एसिड्स, ठीक है। दो अमीनो एसिड जब जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, बेसिकली पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है एंड यहाँ से H2 ये OH और एक H निकल जाता है। सो यहाँ पे CO रह जाता है एंड यहाँ पे NH रह जाता है। सो ये वाला न्यू लिंकेज फॉर्म होता है, इसी को CO-NH बॉन्ड को या तो पेप्टाइड बॉन्ड या फिर हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, ओके। सो इसी तरह से अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, जब दो अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड बनाए, ठीक है। जब तीन अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड फॉर्म हुआ, जब चार तो टेट्रापेप्टाइड, जब बहुत सारे ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड जुड़ते हैं तो उनको बोलते हैं हम पॉलीपेप्टाइड्स। और अराउंड जब 100 पॉलीपेप्टाइड्स एक साथ का चेन फॉर्मेशन होता है, उनका मॉलिक्यूल मास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उन मैक्रोमोलिक्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स, ओके। अब जो हमारे प्रोटीन्स है उनको शेप के बेसिस पे, कि वो किस तरह की उनकी शेप है, उसके बेसिस पे दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो वाले होते हैं जिनमें लीनियर लॉन्ग चेन्स होती है अमीनो एसिड्स की, और इनका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लीनियर होते हैं, पैरेलल इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स पैरेलल रन करती है, ठीक है। जबकि जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो कॉइल्ड अराउंड होती है, कॉइल का मतलब लाइक ऐसे रोल्ड, है ना, जैसे हम देखते हैं स्प्रिंग के अंदर कॉइल्स फॉर्मेशन होता है तो वो कॉइल्ड होती है, ओके। जो फाइब्रस प्रोटीन्स है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं जो हमारे केराटिन है जो हमारे हेयर में नेल्स में प्रेजेंट होता है, मायोसिन है जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है। ऐसे ही ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं एल्ब्यूमिन, इंसुलिन, हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सब क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, ओके। अब जो प्रोटीन का फर्दर स्ट्रक्चर है उसको हमें फोर पॉइंट्स या फिर बोल सकते हैं फोर स्टेप्स में पढ़ना है, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का हमें देखना है, ठीक है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी सीक्वेंस को उस प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। अगर हम सीक्वेंस में कोई भी अमीनो एसिड इधर से उधर कर देंगे, उसको थोड़ा भी चेंज करेंगे, तो प्रोटीन का जो कॉन्फिगरेशन है वो चेंज हो गया तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, कि यहाँ पे एलनिन ग्लाइसिन से जुड़ा है, फिर वापस एलनिन ग्लाइसिन से जुड़ा, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंशियल ऑर्डर है, उसी वे में एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो ऑब्वियसली प्राइमरी स्ट्रक्चर का ही आगे होता है, उसी से बना होता है, बट इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है तो मॉलिक्यूल्स को आपस में जुड़ना होगा, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां बन सकती होती है उसी के हिसाब से जो ये है जो ये कॉइलिंग हो जाती है, ठीक है, ये फोल्ड हो जाते हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, जो चेन्स है, ठीक है। जब ये फोल्ड होते हैं तो वो दो तरह से हो सकता है, या तो अल्फा हेलिक्स फॉर्म होता है या फिर बीटा लीनियर शीट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जैसे हेलिक्स में आप देखिए कि ये जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कॉइल अप हो गई है, हेलिक्स का
फॉर्म ले लिया। यहाँ पे देखिए जो रेड डॉट्स हैं, दीज रिप्रेजेंट्स आर प्रोटीन आर अमीनो एसिड रेसिड्यूज। ठीक है, ये देखिए इनमें कहीं कहीं पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को करने के लिए ही ये अल्फा हेलिक्स का फॉर्म लेता है। सेकंड, बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में भी वही है कि जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सूटेबल है उसके हिसाब से वो फोल्डिंग कर लेता है एंड एक अपना स्ट्रक्चर ले लेता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व होंगे ये वाले, एंड साथ में क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही होगी। ठीक है, थर्ड है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो फर्दर और फोल्ड होते हैं आपस में, तो उसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं यही वाला अल्फा हेलिक्स, यही उसमें और फर्दर फोल्डिंग है, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके अंदर जैसे यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन, या जैसे हम दो पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहे थे, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी इन्वॉल्व हो सकती है, एंड वो आपस में फोल्डिंग कैसे होती है उनकी, कैसे वो ज्वाइन होते हैं, उसके बेसिस पे एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सो दिस कवर्स आवर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। नाउ आपकी बुक में एक और टर्म मेंशन की गई है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन है, जो हमारे नेचुरली वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो उसको उसकी नेटिव फॉर्म बोलते हैं। अब नेटिव फॉर्म में जब वो एग्जिस्ट करता है तो वो स्टेबल है। अगर हम उसमें कोई भी चेंजेस लाते हैं, लाइक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, पीएच चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो अपना एग्जिस्टिंग नेचर है उसको लीव कर देता है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल ब्रेक। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स फॉर्म हुए हैं वो ब्रेक होंगे, अनफोल्ड होंगे, जो कॉइलिंग है वो वापस रिकॉइल होगा, अनफोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या होता है, प्रोटीन अपना जो नेचुरल उसका एक बायोलॉजिकल स्टेट है उसको वो लूज कर देता है, इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन। जैसे जब हम एग बॉइल करते हैं तो उसमें भी यही होता है, पहले कोगुलेशन होता है एंड डीनेचुरेशन होता है। ठीक है, उसमें भी क्योंकि हमने उसको हीट किया, बॉइल किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो जो उसका फिजिकल नेचर है वो उसको लीव कर देता है। दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ प्रोटीन्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लिक एसिड्स। अब जो बायोमोलिक्यूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पहले बहुत बार सुना हुआ था, प्रोटीन्स को भी बहुत बार सुना हुआ था, बट न्यूक्लिक एसिड ये टर्म तो हमने पहले कभी यूज नहीं करा इन टर्म्स ऑफ आर जनरल लैंग्वेज, कि हम बोलते हो कि इसमें न्यूक्लिक एसिड है, या ये न्यूक्लिक एसिड है, या न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन है, ये टर्म्स हम कभी यूज नहीं करते। तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये किस चीज से रिलेटेड है उसको समझते हैं। देखो, एक टर्म है जो हम बार बार अपनी लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज हेरिडिटी जनरेशन टर्म। ठीक है, ये टर्म्स हम बार बार यूज करते हैं, हम बोलते हैं ना लाइक कि किसी को बहुत गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं ना ये इसके फादर से इसमें जेनेटिकली ट्रांसफर हुआ है, उनको भी बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, मदर के लिए कई बार हम यूज करते हैं, किसी की मदर है वो बहुत पेशेंट है, तो अगर चाइल्ड भी वैसे तो हम बोलते हैं कि ये जो क्वालिटी है पेशेंस की इसकी मदर से आई है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, ये बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। अब ये इनहेरिट होते कैसे है, ये होते हैं सेल के न्यूक्लियस के थ्रू, उसके अंदर कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन कोड होती है और फिर ट्रांसफर होती है दूसरी जनरेशन में एंड देन डीकोड होती है, इसी की वजह से कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, ऐसा उसके अंदर प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर डीएनए और आरएनए की फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, उसी की वजह से इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं एक नाइट्रोजनस बेस, एक फॉस्फेट ग्रुप और साथ में एक फाइव कार्बन शुगर प्रेजेंट होती है, उससे मिलके नाइट्रोजनस बेसिस के साथ मिलके हमारे जो ग्रुप्स हैं ये फॉर्म होते हैं। ओके, सो ये हो गया साइकिल कि हमारे न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे फंक्शन करता है, हेरिडिटी कैसे ट्रांसफर होती है थ्रू न्यूक्लियस ऑफ सेल, ठीक है, कैसे उसमें स्टोर होते हैं इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में क्या होता है प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और उसी के दो फॉर्म्स है आरएनए एंड डीएनए, इनकी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब आरएनए और डीएनए क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। देखो, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है उसका रोल क्या है, जो हमने बोला भी हेरिडिटी ट्रांसफर होती है, कैरेक्टर्स इनहेरिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो डीएनए की हेल्प से होता है। आरएनए का रोल क्या है, वो क्या करता है, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं स्टोर करता है, वो सब आरएनए के फंक्शन होता है, वो हमारी जो सेल्स है उनकी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो, अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो ये है न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, उसके अंदर बेस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में डीएनए एंड आरएनए के बीच में जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इनमें शुगर डिफरेंट प्रेजेंट होती है।
आर डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज बीटा टू बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोस एंड जो आरएनए में शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज बीटा डी राइबोस। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस है। अनदर डिफरेंस जो इनमें ऑब्जर्व किया गया वो बेसिस में, क्योंकि इसमें बेसिस भी प्रेजेंट होने चाहिए। डीएनए आरएनए दोनों में चार बेसिस ही प्रेजेंट होते हैं बट उनमें से एक बेस अलग होता है। जो डीएनए में बेसिस प्रेजेंट होता है दैट इज ए जी सी टी एंड जो आरएनए में प्रेजेंट होता है दैट इज ए जी सी एडेनिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड थाइमिन। उसके अंदर ये तीन तो सेम है एडेनिन गुआनिन एंड साइटोसिन बट जो फोर्थ बेस है उसमें थाइमिन की जगह कौन सा होता है यू दैट इज यूरैसिन। सो ये इनके बीच में अलग-अलग डिफरेंस है और उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जैसे ये डबल हेलिकल होता है वो सिंगल हेलिकल वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस में स्टोर्ड होता है न्यूक्लियस में मिलता है आरएनए जबकि साइटोप्लाज्म में मिलता है। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपसे पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में एंड आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है एंड डीएनए इज डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों? देखो, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी कि जो डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, उसके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है जो एक दूसरे की तरफ कॉइल्ड होती है एंड आपस में स्ट्रैंडेड होती है लाइक दिस। यू कैन सी 5' एंड 3', ये दो न्यूक्लियोटाइड चेन्स है जो आपस में क्या है यहाँ पे कॉइल्ड है। ठीक है, ये दो न्यूक्लियोटाइड चेन्स, अब इसमें खास बात क्या है, जो ये दो न्यूक्लियोटाइड चेन्स है ये आपस में आइडेंटिकल नहीं होती है बिकॉज ये एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे? कि इनमें जो पेयरिंग होती है वो फिक्स होती है। देखो, दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन्स आपस में कैसे जुड़ी हुई है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो कैसे रही है, जो हमारे चार बेसिस हमने पढ़े एडेनिन थाइमिन साइटोसिन एंड गुआनिन उनके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए है ये स्टैंड्स क्योंकि किन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा वो फिक्स है। एडेनिन थाइमिन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा एंड साइटोसिन गुआनिन के साथ ही ये फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं जी सी के पेयरिंग हो रही है ए टी टी ए टी सी जी जी सी टी ए सी जी। सो इसी तरह से ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है। आई थिंक आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से समझिए एंड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए। आई थिंक दिस वीडियो विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू गेन मार्क्स इन दिस चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स एंड आई ऑल्सो अपलोड द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप उनको भी सॉल्व कीजिए एंड दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर यू। ओके, थैंक यू।